सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज की वीडियो में 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको 2020 में कंफर्म इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यदि फिर भी किसी के पास टाइम नहीं है तो आप स्किप करके देख सकते हैं, बिकॉज मैंने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया हुआ वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, यदि आप कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कर लेना, बिकॉज मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। एंड यदि आपको जल्दी से रिप्लाई चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा मैसेज करो, MRD ब्लॉग्स के नाम से मेरी आईडी है, तो वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कीजिए। सो गाइस चलिए बात करते हैं फर्स्ट बाइक के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट बाइक हमारे पास आती है होंडा की CBR 150R, जो कि आपको February 2020 में ऑटो एक्सपो में देखने को मिलने वाली है। सो इस बाइक में आपको वही सेम 149cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो पावर मिलने वाली है वो है 17.1 BHP की एंड 14.4 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। इस बाइक में आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिलने वाला है जो कि काफी रिफाइन बनाते हैं इस बाइक के इंजन को। एंड इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलने वाली है। इस बाइक की जो माइलेज है वो आपको इजीली 40 से 45 मिलने वाली है। हाईवे में सिटी काफी अच्छी माइलेज मिलने वाली है। इस बाइक की टॉप एंड की बात करूं तो 140 प्लस इजीली जाती है बाइक। एंड बात करूं इसकी हेडलाइट वगैरह की तो यहां पे आपको LED हेडलाइट दी जाती है जिसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी होने वाली है। सो बात करूं ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा होने वाला है, ड्यूअल चैनल ABS, बट इंडियन मार्केट में शायद सिंगल चैनल ABS देखने को मिले। सो गाइस इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जिसमें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि रियल टाइम माइलेज या फिर गियर इंडिकेटर वगैरह, मतलब हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। सो गाइस बात कर लेते हैं इसकी फाइनली प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.30 लाख एक्स शोरूम। सो लेट्स सी क्या होता है जब लॉन्च होगी बाइक, तो आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या कुछ इसकी प्राइस होने वाली है। सो जैसे ये बाइक लॉन्च होती है तो मैं आपको जरूर एक वीडियो देने वाला हूं जो कि आपको शायद सबसे पहले मेरे चैनल पर ही देखने को मिलती है हमेशा से ही। सो गाइस चलिए बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। सो यहां पे सेकंड बाइक की बात करूं तो यहां पे आपकी सेकंड बाइक आती है यामा की XSR 155, जो कि आपको 2020 मार्च में देखने को मिलने वाली है। सो गाइस इस बाइक में आपको वही सेम इंजन मिलने वाला जो कि आपको MT15 और R15 V3 में मिलता है। सो वही BS6 इंजन मिलेगा, 155cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो आपको उनमें मिलता है। पावर वगैरह भी सब कुछ सेम होने वाली है, 18.6 BHP की पावर एंड आपको 14.1 Nm का टॉर्क। उसी के साथ साथ 40 to 45 km/L की माइलेज आपको इजीली मिल जाएगी इस बाइक से। 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल जाता है आपको इस बाइक में। 145 प्लस की इजीली आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी एंड डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाले इस बाइक में। LED हेडलाइट मिलेगी आपको इस बाइक में। उसी के साथ साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है इस बाइक में। इस बाइक की प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग दोनों बाइक्स के बीच की प्राइस होने वाली, जो MT15 है और R15 V3, उन दोनों के बीच की प्राइस इस बाइक की होने वाली है। मतलब जो इसकी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होने वाली है 1.40 लाख एक्स शोरूम, 1.40 लाख एक्स शोरूम में लॉन्च हो सकती है। सो गाइस बात करूँ थर्ड बाइक जो कि आती है हस्क्वर्ना 250, तो ये बाइक भी आपको January 2020 से KTM की शोरूम से अवेलेबल हो जाएगी, जो कि कन्फर्म हो चुका है KTM के ही शोरूम्स में बिकने वाली है। तो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। इस बाइक में आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें कि आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको 250cc के सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर मिलती है, 31 BHP की पावर मिलती है जो कि आपको किसी और बाइक में शायद देखने को ना मिले। एंड इसमें आपको 24 Nm का टॉर्क मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको इस बाइक की जो माइलेज मिलने वाली है वो इजिली आपको 30-35 की मिल जाएगी। एंड बात करूं इसकी टॉप स्पीड, तो यहाँ पे 160 प्लस की आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी। एंड इस बाइक में आपको LED हेडलाइट मिलने वाली, उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में सारे इंडिकेटर वगैरह हर चीज मतलब LED मिलने वाली है। एंड बात करूं इसके मीटर कंसोल, तो यहां पे आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है, फ्रंट एंड रियर में दोनों में ही डिस्क मिलने वाला आपको। एंड जो इस बाइक की प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2.30 लाख एक्स शोरूम, जो कि शायद काफी ज्यादा है, बट देखते हैं एग्जैक्ट प्राइस क्या होती है इसके लॉन्च टाइम पे। सो गाइस बात करूं यहां पे फोर्थ बाइक के बारे में, तो यहां पे फोर्थ बाइक आती है Aprilia RS 150, जो कि आपको फरवरी ऑटो एक्सपो में देखने को मिलने वाली है, 2020 के ऑटो एक्सपो में फरवरी में देखने को मिलने वाली है। इस बाइक में आपको 150cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको 18 BHP की पावर मिलने वाली, जो कि R15 से थोड़ी सी कम है, बट परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये उससे काफी तेज होने वाली है। बात करूं इसकी टॉर्क की, तो 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है एंड आपको इस बाइक में भी 6-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। उसी के साथ साथ 40 से 45 की माइलेज ये भी आपको दे देगी। टॉप स्पीड की बात करूं तो 150 प्लस इजीली जाने वाली है बाइक एंड मीटर कंसोल आपको इसमें फुली डिजिटल मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ब्रेकिंग की बात करूं तो यहां पे आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल सकता है एंड उसी के साथ साथ यहां पे आपको इस बाइक में फ्रंट में हैलोजन लाइट मिलती है एंड रियर में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। सो गाइस इस बाइक की जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.40 लाख एक्स शोरूम, जो कि आपकी R15 V3 के लगभग ही जाने वाली इसकी प्राइस भी। तो सो बाकी देखते हैं लॉन्च टाइम पे क्या एग्जैक्ट प्राइस होती है। बात करूं फिफ्थ बाइक के बारे में, तो यहाँ पे फिफ्थ बाइक हमारे पास आती है Pulsar NS 200 FI,
जो कि FI आप बोल देते हो, बट यहाँ पे BS6 में ही आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सो मतलब BS6 भी आप बोल सकते हो। NS200 का जो BS6 अपडेट आएगा उसमें आपको ये FI वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यही मतलब न्यू मॉडल आपको मिल जाएगा। सो ये आपको फरवरी में देखने को मिलने वाला है, February 2020। इस बाइक में आपको वही 199cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। पावर वगैरह का मेरे को अभी नहीं पता क्या कुछ पावर होने वाली। अभी तक जो आपको इस बाइक में मिलती आ रही है वो है 23.5 BHP, पर देखते हैं BS6 में बढ़ती है या फिर घटती है। इस बाइक में आपको 18.3 Nm का टॉर्क मिलता आ रहा है, एंड इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 35-40 की माइलेज इजीली मिल जाएगी, एंड आपको इस बाइक में डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलने वाला है, जो कि आपको सेम BS4 में मिलता है। उसी के साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि अभी तक मिलता आ रहा है, एंड BS6 में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल सकता है। बात करूं हेडलाइट की तो हेडलाइट आपको अभी तक हैलोजन मिलती आ रही है, बट आपको BS6 में LED के चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है। एंड बात करूं इसके कलर्स, तो कलर्स वगैरह ग्राफिक्स वगैरह आपको नए मिल सकते हैं BS6 वेरिएंट में। सो बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए इसकी प्राइस पड़ने वाली है, बिकॉज कार्बोरेटर से डायरेक्ट FI में आने वाली है। सो उस वजह से आप 10,000 मिनिमम लेके चलिए, 10,000 तो बढ़ने वाली है, तो 1.25 लाख तक इसकी एक्सशोरूम प्राइस हो सकती है। सो बात करूं यहाँ पे सिक्स्थ बाइक के बारे में, तो सिक्स्थ बाइक यहाँ पे हमारे पास आती है यामा की R3, जो कि न्यू शेप में आने वाली, न्यू मॉडल 2020। सो वो बाइक उसकी हम सोच रहे थे कि हाँ 19 दिसंबर को लॉन्च होगी, लेकिन 19 दिसंबर को लॉन्च नहीं हुई। तो ये बाइक आपको ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिल सकती है, एंड उसी के साथ साथ इस बाइक में आपको वही सेम 321cc का ड्यूअल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। इस बाइक की पावर की बात करूँ तो पावर यार अभी तक मेरे को खुद नहीं पता बढ़ेगी या फिर घटेगी। सो पावर आप लेके चलिए कि 42 अभी तक इसमें मिलती आ रही है, 42 BHP। सो इस बाइक में आपको 41 BHP तक तो लास्ट मिलेगी, बिकॉज यामा अपनी हर बाइक में कम ही करती जा पावर को। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। इस बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स मिलने वाला है, एंड यहां पे आपको ड्यूअल चैनल ABS भी मिलता है। LED हेडलाइट मिलने वाला है इस बाइक में आपको, फ्रंट में, रियर में आपको LED टेल लाइट। सो बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3.70 लाख। सो लेट्स सी क्या होता है, लॉन्च टाइम पे इसकी एग्जैक्ट प्राइस आपको पता चल जाएगी। सो बात करते हैं यहाँ पे सेवंथ बाइक के बारे में। सो सेवंथ बाइक हमारे पास आती है होंडा की CBR 250, जो कि न्यू शेप में आने वाली है। जो लास्ट इसका जो लास्ट वेरियंट था, मतलब जो अभी मॉडल चल रहा है इसका, उसकी सेलिंग काफी कम हो चुकी है, एंड उसका जो लुक है वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। सो उस वजह से इस बाइक को एक नई शेप दी जाएगी, जिसमें कि सब कुछ चेंज कर दिया जाएगा छोड़ के इंजन को। सो ये बाइक आपको अप्रैल में देखने को मिलने वाली है, 2020 अप्रैल में। सो इस बाइक में आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 32 BHP की पावर एंड 28 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, 6-speed गियरबॉक्स मिलने वाला है, ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है, उसी के साथ साथ आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी मिलने वाला है, एंड LED लाइट्स भी मिलने वाली, जो कि DRL के साथ मिलेगी। न्यू शेप दी जाएगी बाइक को, बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा लुक देने वाली है, जो कि 250 सेकंड में तहलका मचाने वाली है। सो इस बाइक की जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 2.10 लाख एक्स शोरूम। सो देखते हैं लॉन्च टाइम पे क्या प्राइस होती है। सो बात करें यहाँ पे 8th बाइक के बारे में, तो यहाँ पे 8th नंबर पे हमारे पास आती है पल्सर RS 200 BS6, जिसमें कि आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सो ये बाइक आपको फरवरी 2020 में देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको सारी पल्सर की पूरी सीरीज ही आपको 2020 में देखने को मिलने वाली है। एंड बात करूँ इसके इंजन की, तो इंजन यहाँ पे आपको 199cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 23.6 BHP की पावर मिलने वाली है। BS6 मॉडल में आपको पावर थोड़ी सी कम दी, एंड उसी के साथ साथ आपको इस बाइक में 18 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, 6-speed गियरबॉक्स मिलने वाला है, सेम डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, जो कि आपको पहले से मिलता आ रहा है, डिजिटल प्लस एनालॉग, एंड यहां पे आपको ड्यूअल चैनल ABS दे दिया जाएगा, जो कि आपको अभी रिसेंटली एक मॉडल में दे दिया गया है ड्यूअल चैनल ABS। तो बात करूं इसकी लाइटिंग की, तो यहां पे आपको LED प्रोजेक्टर देखने को मिल सकते हैं BS6 मॉडल में, एंड इसकी जो माइलेज है वो हमेशा सही, मतलब ठीक ठाक रही है, ज्यादा अच्छी भी नहीं, ज्यादा खराब भी नहीं। सो 30 से 35 की आपको इजीली दे देगी, यदि आप एक अच्छे ढंग से चलाते हैं तो। सो बात करूं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस आपको ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, लगभग 6 से 7 हज़ार बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। सो इसकी प्राइस आप लेके चलिए 1.50 लाख तक जाएगी। सो बात करें यहां पे 9th बाइक के बारे में, जो कि होने वाली है होंडा CB 150 RX Motion। तो ये बाइक आपको ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिलने वाली है। सो इस बाइक में आपको 149cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक BS6 FI लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है, 20 BHP की पावर मिलने वाली है, जो कि आपकी R15 से काफी ज्यादा है, MT15 से भी। बात करूं इसके टॉर्क की, तो यहां पे आपको 15 Nm का टॉर्क मिल जाता है, 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, 40-45 इजीली माइलेज निकाल देगी, एंड उसी के साथ साथ डिजिटल मीटर कंसोल भी इस बाइक में आता है, ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाली इस बाइक में,
एंड इस बाइक में आपको एलईडी लाइट भी मिलने वाली है। सो इस बाइक का जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.40 लाख। सो बात करें 10th बाइक जो कि हमारी लास्ट बाइक होने वाली आज की वीडियो की, सो यहाँ पे हमारे पास आती है यामा MT125 जो कि आपको 2020 के मिड में देखने को मिलने वाली, जो कि शायद जुलाई या आपको अगस्त तक देखने को मिल जाए। सो इस बाइक में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 Sapphire लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, 15 BHP की पावर एंड यहाँ पे 11.5 Nm का टॉर्क मिलने वाला है, 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाला है, उसी के साथ साथ आपको 50 तक की माइलेज ये बाइक दे देगी, डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है, सिंगल चैनल ABS भी मिलने वाला है आपको इस बाइक में, LED हेडलाइट मिलने वाली जो कि सेम आपको MT15 में मिलती आ रही है, मतलब लुक बिल्कुल वही होने वाला है, ग्राफिक्स वगैरह का फर्क होने वाला है एंड इंजन का फर्क होने वाला है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 1.20 लाख। तो देखते हैं क्या होता है लॉन्च टाइम पे एग्जैक्ट प्राइस। सो गाइस ये थी कुछ आज की अपकमिंग बाइक्स, तो इन्हीं के बारे में हमने आज की वीडियो में बात की। फिर भी कोई आपके डाउट्स रहेगा तो प्लीज कमेंट कर लेना, और यदि मैंने कोई बाइक छोड़ दी हो जो कि शायद जिसका कंफर्म है कि हाँ ये आएगी ये, तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर लूंगा। सो गाइस ये थे कुछ आज की वीडियो में, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।